इनेलो पार्टी के युवा विंग के नवनिर्मित जिला अध्यक्ष प्रवीण डूडी ने कहा कि उनकी सरकार आने वाले युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त किया जाएगा। वो यहां पलवल विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। जिला अध्यक्ष प्रवीण डूडी ने कहा कि वो जल्द ही युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आगे आने वाला समय युवाओं का है। उन्होंने कहा कि यूथ के लिए सदस्यता अभियान शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और ऐसी समस्या को दूर करने में उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भी वे अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएंगे। डूड साहब, आपको जो युवा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो किस तरह से युवाओं के लिए काम किया जाएगा, किस तरह से आगे पार्टी के यूथ को बढ़ाया जाएगा? हम गांव-गांव, शहर-शहर, हर बूथ लेवल पे जाएंगे और ये अपने साथ युवाओं को जोड़ेंगे और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। ये हमारा मेन काम रहेगा। जितने भी युवा साथी हैं उनको अपने साथ जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो जिले में युवाओं की खासतौर से क्या परेशानियाँ हैं, क्या उनके प्रति जिम्मेदारियां, क्या किस तरह की बातें रहेंगी? युवाओं को परेशानी तो बहुत है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर। देखते हैं ग्रेजुएट बहुत पढ़े लिखे जो हमारे भाई हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं, उनको रोजगार नहीं उपलब्ध करा रही है बीजेपी सरकार। तो अपनी सरकार आने पर उनको रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। तो किसी तरह का यूथ के लिए सदस्यता अभियान भी आप लोगों का चलेगा? अभी तो मैं फिलहाल प्रधान बना हूँ, धीरे धीरे अब परसों मीटिंग करने जा रहे हैं अपनी यूथ की, उसमें हम अपना निर्णय लेंगे। धीरे धीरे आगे यूथ को साथ जोड़ेंगे अपने साथ। तो इसमें कॉलेजों से भी बच्चे रहेंगे क्या यूथ में? हाँ, हमारी एक इकाई है इंसो, वो हमारी कॉलेजों में चलती है। इंसो का भी बहुत जल्दी अभी प्रधान बनने वाला है, उसके साथ हम कॉलेजों में जा जाकर युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे।